सरना धर्म कोड को लेकर आज फिर एक बार सरना धर्म के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। पूरे झारखंड में आज सरना धर्म के लोग मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांग को फिर एक बार सरकार के सामने रखेंगे। आदिवासी धर्म के लोगों ने कहा कि सरना धर्म कोड हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी है एक मछली के लिए जल, क्योंकि ना हम मुसलमान हैं, ना हम हिंदू हैं और ना ही हम ईसाई हैं, हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। इसलिए हम सभी को इस बार होने वाले जनगणना में अपना पर्सनल कॉलम मिलना चाहिए। इससे पहले 15 अक्टूबर को आदिवासी धर्म के लोगों ने पूरे झारखंड में राज्यव्यापी चक्का जाम कर सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग की थी। सर आपका नाम? जी मैं प्रकाश उराव हूँ, जनजातीय समाज का आदमी हूँ। अपनी मांग के समर्थन के लिए हम सारे गांव वाले लोग, पूरे झारखंड के लोग अपने अपने क्षेत्र में सब कोई लगे हुए हैं। और ये चूंकि अब अपनी संवैधानिक अधिकार को हम लोग चाह रहे हैं, सरकार हमें नानुकूल कर रही है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगों पर आप निश्चित रूप से विचार करें। 15 अक्टूबर को सरना धर्म कोड को लेकर चक्का जाम किया गया था, क्या उससे आपको लगता है कि सरकार में किसी प्रकार की जहन में इस बात को बात आई होगी कि मान आप लोगों को सरना धर्म कोड दे दिया जाए? नहीं, हमारे ख्याल से सरकार को हम परेशान नहीं कर रहे, क्योंकि ये केंद्र सरकार की मामला है, पर राज्य सरकार हमारी सहयोगी है, राज्य सरकार की तरफ से ही केंद्र को जाएगा, केंद्र के यहाँ से होना है। ये धर्म कोड जनगणना निदेशालय के कॉलम में एक जो शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ये कॉलम आप बनाए ताकि हमारी सही गिनती हो जाए। सरना धर्म कोड आप लोगों के लिए कितनी जरूरी है? जिस तरह से जल बिन मछली, वैसा ही सरना कोड आदिवासियों के लिए निहायत जरूरी है। बाबू आज के दिन में चाहे वो संसद हो या विधानसभा हो, सभी जगह संख्या बल की बातें आती है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए गिनती जनगणना में कहीं कोई कॉलम नहीं है, वैसी परिस्थिति में हमको आप कहाँ रखिएगा? जनजातीय समाज, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम प्राकृतिक के पुजारी है। हमारे लिए अलग से आप संख्या रखिएगा ना कि हम इतना है। ये राजनीतिकरण में हमको आप ना रखे। अभी जनगणना हो रहा है तो बहुत सारे जनगणना निदेशालय के लोग कहता है कि आप हिंदू में हो, कहे भाई हम तो प्राकृतिक पुजारी है, तो बोले कि नहीं आप क्रिश्चियन हो, भाई हम हिंदू नहीं है, हम प्राकृतिक के पुजारी, आप मुसलमान है, नहीं ऐसा था, पहले था 1961 तक था, हमारे लिए कॉलम थी, उसको ही हम मांग कर रहे हैं, कोई इनसे नया चीज नहीं मांग रहे, हमारी जो थी हमको आप होनी रखिए, यही। धन्यवाद सर अपना कीमती समय जीएन भारत की टीम को देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग सरना धर्म कोड को लेकर क्या बना रहे हैं? आज हम लोग सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर के हम लोग आज मानव श्रृंखला बना रहे हैं। हम लोग आज अपने हक और अधिकार के लिए सारे लोग रोड में मौन रहकर हम लोग सारा मानव श्रृंखला बना करके अपनी मांग को रख रहे हैं कि हमारी जो हम लोग का जो धर्म कोड है, आदिवासी धर्म कोड है, उसको दिया जाए, क्योंकि इस बार अन्य का भी कॉलम हटा दिया गया है, तो हमारे सारे हिंदुस्तान के आदिवासी एक साथ मिल करके हम लोग अपने धर्म कोड की लड़ाई के लिए उतरे हैं, मानव श्रृंखला बना रहे हैं। 15 अक्टूबर को सरना धर्म कोड को लेकर चक्का जाम किया गया था, क्या उससे किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है? निश्चित तौर से प्रभाव पड़ा है, लेकिन और आज का जो है हमारा जो आदिवासी धर्म कोड को लेकर के जो भी हम लोग का मानव श्रृंखला है या फिर जो भी मोराबादी में जमा हो रहे हैं, सभी की मांग है, उस पर जरूर प्रभाव, जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। रांची में किस किस स्थान पर मानव श्रृंखला आज बनाई जाएगी? मानव श्रृंखला आज रांची क्या पूरे झारखंड में सभी जगह पर बनाई जाएगी। क्या इससे सरकार को किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा आज मानव श्रृंखला को देखते हुए?
हम बिल्कुल पड़ेगा, हमारे राज्य सरकार से तो हमारे हेमंत सर बोले ही हैं कि वो जरूर पारित कर देंगे, लेकिन हमारे जो केंद्र सरकार है मेन वहीं से होगा। तो ये जो हम लोग आज जमा हो रहे हैं ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए भी है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए ज़्यादा है कि जो भी हम लोग को कोड मिलना है वो हमारे केंद्र सरकार से पारित होगी। जीएन भारत के लिए वैभव विक्रम की ग्राउंड रिपोर्ट।